च गणपति सिद्धिं प्रदं कामदं वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात् पीतांबरा दारुण बिंब फलान धूष्टात् पूर्णेन सुंदर मुखाद दरबिंब नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमः देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीयते। निगम कल्पतरोगरितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिवत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भूभावकः। कंठे यस्य विराजते हि गरलं गंगाजले मस्तके वामांगे गिरिराज राज तनया जाया भवानी स्थितिः। नंदी स्कंद गणनाथ रुद्र सहिता श्री तुंगनाथ प्रभु केदारांचल संस्थितो हि सततम् कुर्यात् सदा मंगलम्। बोलो भवानी शंकर कैलाशपति महादेव की जय। बोलो राधा कृष्ण बांके बिहारी लाल की जय। बोलो भगवती जगदम्बा मैया की जय। बोलो तुलसी मैया की जय। बोलो गंगा मैया की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। तो कल हमने जो है धूम्रकेश की कथा सुनी। धूम्रकेश जो है महापापी था। सारे जीवन भर उसने गोर पाप किए और अंत में हंसी मजाक में उसने भगवान की प्रतिमा बनाई और भगवान का जो है मजाक में ही पूजन कर दिया। तो जो है उतने में ही कार्तिक मास में भगवान उससे प्रसन्न हो गए और जब उसकी मृत्यु हुई तो भगवान के दूत उसको जो है वैकुंठ धाम को ले गए। अब राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, भक्त बत्सल भगवान की पूजा का इतिहास सुनाइए। तब नारद जी बोले कि हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूं सो सुनो। पहले चोल नाम का एक राजा कांतिपुर में राज्य करता था। उसके राज्य में कोई भी दुखी पीड़ित तथा दरिद्री नहीं था। सारी प्रजा अत्यंत सुखी थी। उस राजा के नाम पर उस देश का नाम भी चोल देश पड़ गया। एक समय वह राजा बड़े बड़े मणि माणिक्य मुक्ताओं से भगवान का पूजन करके वही मंदिर में बैठ गया। उसने जो है राजा ने खूब मणि माणिक्य मोती सोना चांदी भगवान को चढ़ाया और वहां बैठ गया भगवान के सामने भगवान की सुंदरता निखारने के लिए। उसी समय उसी नगर में विष्णु शर्मा नाम वाले ब्राह्मण ने बहुत ही तुलसी दल और जल से भगवान की पूजा की और तब तक वो बैठा ही था कि जो है ब्राह्मण आया और उसके पास विप्र के पास क्या था, तुलसी थी उसके घर में और वो लोटे में जल लेकर के आया। उसने तुलसी के पत्र जो है भगवान को चढ़ा दिए, शालिग्राम जी को, भगवान नारायण को, और जल चढ़ा दिया और जो है तुलसी दलों से जो है वो जो है उसके मणि माणिक के सारे ढक गए। जब वो तुलसी दल ऊपर से चढ़ाए तो वो मणि माणिक के मोक्ति सब ढक गए। इससे राजा को क्रोध आ गया कि मैंने इतना सब कुछ चढ़ाया था और ये ब्राह्मण आया, इसने ऊपर से पत्ते डाल दिए और सारा ढक दिया। क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा, हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ज्ञान नहीं, तुमने मणि
मुक्ता उसे की गई मेरी पूजा की शोभा को तुलसी के दलों से ढक दिया है। तुम्हें पता नहीं था मैंने मोती माणिक के हार आदि चढ़ाए हैं और तुमने ऊपर से तुलसी के पत्ते से वो सारी खूबसूरती जो है ढक ली है। तुम अज्ञानी हो, तुमने जो है मेरी पूजा का सारा महत्व समाप्त कर दिया। तब विष्णु शर्मा कहने लगे, हे राजन, तुम अभिमान युक्त हो गए हो, इसी कारण भगवान की पूजा को नहीं जानते हो। भगवान जो है मणि माणिक्य से प्रसन्न नहीं होते हैं। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर राजा बड़े गर्व से कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम स्वयं दरिद्री हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं हो, तुम तो भूखे भी सो जाते हो और मैं जो हूं परम ऐश्वर्यवान हूं, इसलिए भगवान की क्या पूजा, तुम क्या पूजा करोगे जो तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तो तुम क्या भक्ति करोगे? क्या तुमने भगवान का कोई स्थान बनवाया है या कोई यज्ञ आदि किया है? मैं सबके सामने कहता हूं, देखें भगवान की भक्ति करके तुम पहले स्वर्ग जाते हो या मैं जाता हूं। वहां उसने शर्त रख दी कि यदि ऐसा है तो पहले कौन जाता है स्वर्ग, तू जाता है कि मैं जाता हूं? इतना कहकर राजा जो है गुंगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ करने लगा। उसने बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए, साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्य देने लग गया कि जो है खूब दान करने लग गया। विष्णु शर्मा भी सदा की भांति भगवान की पूजन करने करता रहा। और जो विष्णु शर्मा नाम का ब्राह्मण था वो जैसे ही नित्य पूजा करता था, पत्र पुष्पों से उसी तरह से पूजा करने लग गया। उसने पांच नियम बनाए, माघ कार्तिक के व्रत, तुलसी वन का रोपण, एकादशी का व्रत और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना, साथ ही दिन रात भगवान का कीर्तन करने में लगा रहना, चलते फिरते उठते बैठते सदा भगवान का स्मरण करता रहा। एक समय भोजन करता, एक दिन विष्णु शर्मा ने रसोई बनाई और कोई उस जब भोग लगाने के लिए उसने रखा तो कोई उस भोजन के पात्र को, उस पाक के पात्र को ले गया। उसने फिर रसोई नहीं बनाई और सायंकाल का व्रत भंग न हो जाए और भूखा ही वह सो गया। दूसरे दिन फिर रसोई बनाई, जब भगवान का भोग लगाने लगा तो फिर पाक उठा करके कोई ले गया, कोई उसके भोजन के पात्र को फिर से ले गया। इस प्रकार सात दिन तक होता रहा। यद्यपि विष्णु शर्मा भूख के मारे व्याकुल हो गया, सात दिन से भोजन बना रहा, भगवान को भोग लगा रहा और कोई उठा करके ले जा रहा, परंतु जो है वह दोबारा भोजन नहीं बनाता था और ऐसे ही सो जाता था। भूख से व्याकुल तो हो गया परंतु सत्संग के समय के भंग हो जाने के भय से दूसरी बार कभी रसोई नहीं बनाता था कि जो है मेरा समय व्यर्थ न जाए, भोजन का समय तो चले गया, मेरा सत्संग का समय है, खा लिया तो खा लिया, नहीं खाया तो नहीं खाया। इस प्रकार से वह दोबारा कभी नहीं बनाता था। वह यही सोचता रहता कि न जाने कौन हमारा भोजन उठा के ले जाता है। भक्तों के इस आश्रय को छोड़कर जाना भी उसने ठीक नहीं समझा। उसने जो है उस मंदिर को छोड़कर के भी, उस पूजा स्थल को छोड़कर जाना भी ठीक नहीं समझा। ऐसा भी नहीं सोचा कि यार यहाँ तो मेरे साथ बहुत नुकसान हो रहा, मेरे तो भोजन भी नहीं हो रहा, मैं तो इतने दिन से भूखा हूँ। उसने निश्चय कर लिया कि मैं यहीं रहूंगा। फिर सोचा कि अच्छा, आज मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि कौन मेरा भोजन उठा करके ले जाता है। ऐसा विचार कर वह एक स्थान में छुप कर बैठ गया। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि एक अति दुर्बल चांडाल, जिसका शरीर केवल अस्थियों का पिंजर बना हुआ है, छिप कर आया और वहां से जो है भोजन के पात्र को लेकर के चले गया। उसको देखकर विष्णु शर्मा के मन में अति दया उत्पन्न हो गई। अरे ये तो बहुत
जो है कमजोर है, अति दुर्लभ दुर्बल है, इसके शरीर में तो हड्डियां ही दिख रही हैं। दया उत्पन्न हो गई उसको देख करके कि वह भूख के मारे जो है भोजन ले जा रहा है, मैं व्यर्थ ही चिंता कर रहा था। तब वह कहने लगा कि भैया रुक जाओ, रूखा भोजन मत ले जाओ, तुम इसको ही मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है वह भी लेते जाओ। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर डरा हुआ वह चांडाल भागता हुआ ठोकर खा करके भोजन के पात्र समेत गिर गया। तभी विष्णु शर्मा भी उसके समीप पहुंचा और एक वस्त्र लेकर के उसको हवा करने लगा, उसको हवा झोलने लगा, क्योंकि वह गिर गया, उसको चोट लग गई। थोड़ी देर बाद जो है उसको देख करके ब्राह्मण क्या देखता है कि उस चांडाल की जगह वहां क्या हो गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके वनमाला धारण किए हुए भगवान विष्णु जी वहां लेटे हुए उसको दर्शन हो गए। बोलो नारायण भगवान की। उसी समय जो है ब्राह्मण ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया और वह ब्राह्मण जो है अति प्रसन्न हो गया और जो है वही भगवान के चरणों में लिट गया, नमस्कार कर गया, दंडवत प्रणाम करने लगा। तभी इंद्रादि देवता भी वहां आ गए, उस ब्राह्मण पे पुष्प वृष्टि करने लगे, ऋषि लोग वेद मंत्रों से उसका पूजन करने लगे। तब भगवान ने स्नेह पूर्वक उस ब्राह्मण का आलिंगन किया। जब भगवान किसी को किसी से अति प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान आलिंगन कर देते, सायुज्य रूप अपना रूप दे देते हैं, तू मेरे जैसे ही है, तू ले मैं उठ गया, तू यहाँ पे बैठ, ऐसा कर लेते हैं। परंतु उस प्रकार की भक्ति हमारे हृदय में होनी चाहिए, हमारे अंदर चापलूसी वाली भक्ति नहीं होनी चाहिए कि प्रभु ये मैंने धूप जला दी इसका मुझे ये दे देना, दीप जला दी इसका ये दे देना, मैंने घी दे दिया इसका मुझे ये दे देना, और मैंने एक रुपया चढ़ाया इसका मुझे ये दे देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऋषि लोग भी जो है वेद मंत्रों से उसका पूजन करने लगे, ब्राह्मण का उस भक्त का पूजन करने लगे। तब भगवान ने स्नेह पूर्वक उस ब्राह्मण का आलिंगन किया और उसको सायुज्य रूप अपना स्वरूप प्रदान कर दिया। तत्पश्चात अपने साथ विमान में बैठा करके बैकुंठ धाम को ले गए। यह चरित्र देख करके चौल राजा अत्यंत दुखी हुआ। यह सब समाचार जो है, भक्त तो चौल राजा भी था ही, परंतु उसके अंदर जो है अंत समय में क्या आ गया था, घमंड आ गया था कि मैं तो माणिक्य मोती आदि चढ़ा रहा हूं, और ये तो इसने तो तुलसी पत्र से मेरा सजाया हुआ सारा जो है ढक दिया है। यह देख करके जो है बहुत दुखी हुआ। उसने आचार्य गुंगल ऋषि को बुलाकर कहा कि यह सब क्या हो रहा है, जिसके द्वेष के कारण हमने यह सब यज्ञ आदि किए, यह तो बैकुंठ को जा रहा है। जो है आज तक तो मैंने हृदय से पूजा की, मन और मस्तिष्क से पूजा की, अब मैंने अपने अंत समय में क्या किया, बल कि इसके द्वेष के कारण प्रतिस्पर्धा में मैंने जो है यज्ञ आदि आरंभ किए, इतने दान आदि किए, अब देखो मैं यहीं रह गया, वो देखो वो स्वर्ग को जा रहा है, सब निष्फल, मेरा दान आदि यज्ञ आदि सब निष्फल हो गया। इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ आदि से नहीं केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। भगवान जो है सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं, सिर्फ दिखावे के यज्ञ दान आदि से प्रसन्न नहीं होते हैं। राजा आजीवन ब्रह्मचारी रहा था, इसी कारण उसका कोई संतान नहीं थी, अतएव अपना राजपाट धन आदि अपने भांजे को सौंप कर भगवान मुझको स्त्री भक्ति दे दो। वह समझ गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और उसके कोई संतान भी नहीं था, आजीवन ब्रह्मचारी था, उसने जो है अपना राजपाट जो है अपने भांजे को सौंप दिया। तब भगवान की फिर से जो है सच्ची भक्ति में लग गया और कहने लगा, हे प्रभु अब मुझे ऐसी स्त्री भक्ति दो कि मेरा मन इधर उधर विचलित ना हो जाए, ऐसा कह करके अग्नि कुंड में कूद गया।
वह जो है उसी यज्ञ कुंड में ही कूद गया। यह देखकर गुंगल ऋषि ने क्रोध में आकर के अपनी शिखा चोटी उखाड़ दी। तब से जो है अभी तक चोल देश में भांजा मामा का अधिकारी होता है। उस चोल देश में जो है मामा का उत्तराधिकारी भांजा ही होता है। आज भी गुंगल गोत्र के ब्राह्मण सिर में चोटी नहीं रखते हैं। राजा के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान अग्निकुंड से प्रकट हो गए और जैसे ही उस राजा ने अग्निकुंड में छलांग लगाई, भगवान नारायण उसी कुंड से जो है प्रकट हो गए और उसको जो है अब गोद में ले लिया, आलिंगन करके उसे सायुज्य रूप दे दिया, अपना स्वरूप प्रदान किया और कहा कि तुम मेरे परम भक्त हो, पर अंतिम क्षणों में तुम्हारे अंदर जो है अहंकार आ गया था, परंतु तुमने पश्चाताप किया है और इसलिए भगवान नारायण ने अपना स्वरूप उसको दे दिए। इसके पश्चात विष्णु भगवान ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील और चोल को सुशील नामक अपने द्वारपाल नियुक्त कर दिया। बोलू कार्तिक महात्म्य की जय। कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरधरम कुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधे वरम फूल जमुना धेनु आगे सकल गोपियन मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत केल कलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीनानाथ दयाल धर कंस हिरणा कुशरणम गल फूल भाल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव छिया बलि चलो श्री बामनम जल डूबते गजराख लीनो लंका छेद्यो रावणम सप्त दीप नव खंड चौदह भवन कीनो एक पदम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीनानाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम कवि दत्त दास विलास निस दिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंधो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेविते शिव शंकर श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघव श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मच्छ काच्छ वराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ शियापति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल बाल बाल सखावरे नवनीत नागर कर निरंतर शिव विरंचि मन मोहितम कालंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम बाल बाल सब सखा विराज संग राधे बामनी शिवट तट निकट यमुना मुरली की तेर सुहावनी
भज राघवेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। तके पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पनक राची धनुष बाण चढ़ावहीं सती सीता नाम जाके श्री राम चंद्र प्रणमामहि। जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृद नंदनम। बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेव कम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माद शव सागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वंबरम। द्वारका के नाथ श्रीपत केशवम प्रणमाम्यहम। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निषदिन विष्णु लोक सगच्छतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कवि दत्त दास समाप्तकम्। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय।